तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गूगल एडसेंस से बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। लेकिन उससे पहले बता दूं कि यहाँ पे एक पॉइंट जो है, एक क्वेश्चन आता है जो है कि स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड क्या होता है, इसके बारे में पहले आपको मैं समझा देता हूँ कैसे पता करें। ये पहले आप समझ लीजिए, बहुत छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आपके लिए काफ़ी, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड होता है उपयोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। ये आपको कहाँ मिलेगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी बातों को पूरा आप अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले आप, अगर आपको सही स्विफ्ट कोड पता करना है तो आप डायरेक्ट बैंक चला जाएं और बैंक से आपको बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आता है इंटरनेट। इंटरनेट पे मिलने वाला चीज़ हर चीज़ सही नहीं होता है, सही होता है लेकिन हर चीज़ सही नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर आपको हो जाता है, गलत हो जाता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो आपको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्विफ्ट कोड के लिए आप डायरेक्ट बैंक ही आप संपर्क कर लें, आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बैंक वालों ने मुझे दिया है, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा, जब आपको लाइव करके दिखाऊंगा सिस्टम पे ऐड करके बैंक अकाउंट, तो आपको देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं SBI का बैंक अकाउंट ऐड करूँगा, तो ये था। और अब हम बात करते हैं बैंक होल्डर का नाम और हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, ये सब चीज़ें तो आपको पासबुक में ही मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको खोजने की कहीं ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको खोजना पड़ता है। ये चीज़ें देख रहे हैं ना, स्विफ्ट कोड इसको बोलते हैं, तो जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है उपयोग। तो चलिए, आइए हम डायरेक्ट आपको सिस्टम पे आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको बैंक ऐड करना है गूगल एडसेंस में। तो चलिए, वीडियो को एंड तक जरूर आप देखिए अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो। दोस्तों, यहाँ से हम अपना गूगल एडसेंस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। सिंपल सा रहता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, आप देखिएगा तो बहुत ईजीली आप समझ जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर भी मैंने आपको शो कर दिया है, आपको कोई मैंने ब्लर उलर नहीं किया है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा साइड वाले, यहाँ पे देख रहे हैं ना मेरा कर्सर, देखिएगा तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करना है गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन करके, ठीक है? यहाँ पे एक खुलेगा पेज नया, देखिए कुछ इस तरीके के यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा ऐड करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे सबसे ऊपर देख लीजिए, सबसे ऊपर से मैं दिखाता हूँ, सबसे ऊपर ये बेनिफिशियरी, यहाँ पे कोई ऐड करना कोई ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे हो जाएगा, बैंक नेम किस बैंक का है, और सेकंड में यहाँ पे IFSC कोड हो जाएगा, यहाँ पे BIC स्विफ्ट कोड है ना, BIC यही स्विफ्ट कोड, इसी को स्विफ्ट कोड बोलते हैं। और यहाँ पे नीचे आपको बता देते हैं कि यहाँ पे अकाउंट नंबर हो गया, और उसके नीचे थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे एक है री टाइप अकाउंट नंबर, यहाँ पे दो बार री टाइप कर देना है अकाउंट नंबर को, ठीक है? और नीचे आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे सेट प्राइमरी, यहाँ पे पेमेंट मेथड तो ऑलरेडी ड्राइव करेगा, और यहाँ से आपको सेव कर देना, ठीक है? यहाँ पे और कुछ करना नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने फाइनली भर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल चीज फिल कर दिया है। यहाँ से ऊपर से जो भी नीड था, जरूरत यहाँ पे पड़ता है, वो चीजें मैंने सारी की सारी चीज यहाँ पे मैंने भर दिया, जैसे कि यहाँ पे स्विफ्ट कोड हो गया, अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर, सारी चीज मैंने फिल कर दिया है। ऊपर बैंक होल्डर का नेम किस बैंक में है, SBI, सारी चीज मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, बस सिंपल सी यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको ये सेव कर देना है, ठीक है? सेव वाले जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से कुछ सर्चिंग लेगा, और यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या होता है, कैसा इंटरफेस दिखता है, ये सामने आपको दिख जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसे अकाउंट का है, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर इस तरीके से ऐड हो गया है। अगर आप दूसरी एडिट करना चाहते हैं तो ऐसे एडिट भी कर सकते हैं, या फिर दूसरे बैंक को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरी बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे।